हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमन टेक। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। तो आप देखे होंगे कि आधार कार्ड कितना इम्पॉर्टेंट हो है, सब जगह में आपको यूज़ आता है। तो आप कभी कभी देखते ही होंगे कि आप अपना आधार कार्ड भूल जाते हैं कोई इम्पॉर्टेंट प्लेस में, तो आपका काम रुक जाता है। तो उसके लिए आपको एक सुविधा उपलब्ध करने के लिए मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप अपने मोबाइल को हमेशा यूज़ में लेते हैं, उधर आप अपना आधार कार्ड PDF फॉर्म में डाउनलोड करके रख सकते हैं और आप कहीं भी उसको काम में ले सकते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ इन्फॉर्म करके रखता हूँ आप लोग को कि आप देखे होंगे कि प्ले स्टोर में तरह तरह की आधार कार्ड डाउनलोड करने की एप्लीकेशन उपलब्ध है, बट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप वो सब ऐप मत डाउनलोड कीजिए, बिकॉज उधर से आधातर ऐप मैं खुद यूज़ करके देख लिया हूँ। ऐप सब है जो वेस्ट है, आपका बस टाइम वेस्ट करने के लिए है, आप बस एडवर्टाइज चलाने के लिए है और कुछ नहीं। और कोई कोई ऐप काम करता भी है बट बहुत टाइम लगता है उसको रिलोड होने में और बहुत झंझट है। सो मैं प्रीफर करता हूँ आप डायरेक्ट इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए। मैं ये स्टेप दिखा रहा हूँ वो आप मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, PC में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को ब्राउज़र खोलना होगा। आप ये प्रोसीजर अपना मोबाइल में भी कर सकते हैं, एकदम सेम रहेगा। मैं आपको PC में करके दिखाता हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल खुल गया है। तो आपको गूगल में लिखना होगा डाउनलोड आधार कार्ड। उसके बाद आपको गवर्नमेंट का ऑफिशियल साइट से आपको डाउनलोड करना होगा। ये पूरा लीगल है, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा, आप पूरा सेफ्टी के साथ अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग को पहला लिंक में क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको कुछ ऐसे पेज खुलेगा, इसको बस आप नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और इधर लिखा है डाउनलोड आधार कार्ड, आधार एनरोलमेंट, उसके बाद आधार कार्ड डाउनलोड, इस पर क्लिक कीजिए, इसको खोलने दीजिए। और आप देख सकते हैं इधर एक चार्ट खुल गया है। आप यहाँ तो एनरोलमेंट नंबर, जो आप जब आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक कागज़ मिलता होगा जो आपको बोलता है कि कुछ दिन बाद आइए, आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड मिल जाएगा। उसमें एक नंबर होता है 16 डिजिट का, उधर आधार कार्ड एनरोलमेंट नंबर होता है, और एक आधार कार्ड नंबर होता है जो 12 डिजिट का होता है, वो भी आप दे सकते हैं। तो आप कुछ भी अपना इन्फॉर्मेशन डालिए, फुल नेम, अपना आधार एनरोलमेंट आधार कार्ड का नंबर डालिए, फुल नेम दीजिए, पिन कोड दीजिए, और इसका जो इमेज है वो इमेज में जो लिखा हुआ वो टेक्स्ट आप इधर कॉपी कर दीजिए, अपना जो वेरीफाई मोबाइल नंबर है जो आप आधार कार्ड बनाने टाइम दिए थे वही नंबर दीजिएगा, उसमें ही OTP आएगा। OTP डालने के बाद वैलिडिटी और डाउनलोड में आप क्लिक कर लीजिए और आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये आधार कार्ड का PDF को आप अपना मोबाइल में रख सकते हैं, आप कहीं भी उसको यूज़ करने के लिए ले जा सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड भूल भी जाते हैं कहीं ले जाने में तो आप वो PDF खोल के अपना काम कर सकते हैं और आपका काम निकल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप दूसरा कोई भी ऐप से आधार कार्ड डाउनलोड मत कीजिए, आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो सकता है। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप इसी से डाउनलोड कीजिए, एकदम सेफ है, सिक्योर रहेगा। और ये छोटा सा वीडियो था आपको बताने के लिए कैसे आपको आधार कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए आ गए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में छोटा सा बेल का आइकन होता है उसको भी क्लिक कर दीजिए। उससे होगा ये, मैं जब भी न्यू वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा और आप मेरे को वीडियो मिस नहीं करेंगे। मैं ऐसे ही टेक्निकल वीडियो डालता हूँ प्रैक्टिकल रोज़, आप ये चैनल को फॉलो कीजिए। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड गुड बाय।